लेट स्टार्ट न्यू सब्जेक्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इंटरनल एग्जाम में हमारे सिलेबस में यहाँ पे दो है, यूनिट 2 एंड यूनिट 3। तो यूनिट 2 के अंदर हमको दो चैप्टर पढ़ने, चैप्टर नंबर वन जिसका नाम है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, क्लियर। और चैप्टर नंबर 2 है वो है तुम्हारा सेगमेंट सेगमेंट रिपोर्टिंग। ये दो टॉपिक हमको यूनिट 2 के अंदर पढ़ने हैं। और जो आपका यूनिट 3 है वो पूरा के पूरा, ये भी प्रैक्टिकल बेस ही है, यूनिट 3 भी है। अब यूनिट 3 के अंदर भी आपको दो चैप्टर पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 1 EPS अर्निंग पर से, और चैप्टर नंबर 2 है एम्प्लॉई बेनिफिट। ये 4 चैप्टर हमको 2 यूनिट में कंप्लीट क्लियर करने हैं, क्लियर लिख लो। तो हम आज स्टार्ट करेंगे यूनिट 2, हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 सेगमेंट रिपोर्टिंग, क्लियर। ध्यान देना, पहले देखेंगे इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या, तो नाम सजेस्ट बोलता है इंटरिम, यानी एक दो अकाउंटिंग ईयर के बीच के पीरियड में, यानी 3 महीने का, 6 महीने का, क्लियर। कुछ भी हो सकता है जो 2 साल के बीच में आता है। द डिवोर्स रिलेशनशिप बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ एंटिटी, इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी एंड साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द ग्रोइंग अवेयरनेस अमंग इन्वेस्टर फॉर टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन हैज एनहांस द नीड फॉर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बाय बिजनेस एंटिटी एट इंटरवल मोर देन फ्रीक्वेंटली देन एनुअली। सीधा है, कभी के जमाने में बिजनेस का स्पेन एक्सपांड हो चुका है, बिजनेस का डाइवर्जन एक्सपांशन हो चुका है, बिजनेस की साइज बढ़ चुकी है, तो इन्वेस्टर को डिसीजन लेने के लिए क्या होता है, तो उनके लिए जरूरी है कि बिजनेस सेक्टर ऑर्गेनाइजेशनल एक से ज्यादा बार अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट को लोगों के सामने पब्लिश करे, मोर देन 1 इंटरवल इन एनुअली। अंडरलाइन करना, लिख लेना, इन टर्म ऑफ क्लॉज 41 ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट विद स्टॉक एक्सचेंज इट इज ऑब्लिगरी, यानी कंपलसरी फॉर ऑल लिस्टेड कंपनी, याद रखना किसके लिए कंपलसरी है, लिस्टेड कंपनी टू सबमिट अनऑडिटेड इंटरिम फाइनेंशियल रिजल्ट टू द कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज। याद रखना, जितनी भी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि जितनी भी लिस्टेड कंपनी है उनको कंपलसरीली अपना इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंज जो भी लगता हो वहां पे सबमिट करना पड़ेगा। प्रेजेंटली द पीरियड ऑफ सच इंटरिम रिपोर्ट इज क्वार्टरली, अभी के हिसाब से जो रूल्स के मुताबिक कितना होना चाहिए, 3 3 महीने का होना चाहिए। सच इंटरिम रिपोर्ट आर नॉट जनरली ऑडिटेड, क्यों कंपलसरी नहीं ऑडिट कराना, क्योंकि भाई ये बेसिकली ईयरली ऑडिट तो कंपलसरी है, एक और बर्डन आ जाएगा तो कंपनी को तकलीफ पड़ सकती है। तो बताया है कि ऑडिट नहीं होगा तो चलेगा, मगर 3 महीने का रिपोर्ट तुमको सबमिट करना पड़ेगा। हेंस प्रिपेयर ऑफ सच स्टेटमेंट वे नॉट फुल्ली एडरिंग टू कॉमन कोड ऑफ रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द अकाउंटिंग प्रिंसिपल विच अंडरलाइन इंटरिम रिपोर्ट हैड ऑल्सो रिमेन्ड मोस्टली अनडिफाइंड, द स्टैंडर्ड सीक टू फिल दिस गैप। तो वही चीज है कि भाई कॉमन ऑडिटेड नहीं है, तो देर आर चांसेस दैट सम प्रॉब्लम और मिस्टेक ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल में अकर, तो ये स्टैंडर्ड बनाने के पीछे रीजन है ये है कि ये जो आपकी गैप है, जो प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगी। तो ये भी पूछ सकते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 किससे डील करता है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 डील विथ इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नाउ व्हाट इज इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है, तो ये भी एमसीक्यू में आता है, आप लिखते जाना, आपको मैं बताते जा रहा हूँ।
Interim financial reporting is the report for a period of less than a year, generally for a period of 3 months. कितने महीने का होता है? कितने महीने का होता है? Generally 3 महीनों का होता है. As per this standard, interim financial report means financial report containing either a complete state of financial statement. Financial statement का मतलब जो अपने जरूरी है P&L and balance sheet, or a set of condensed financial statement. Condensed का मतलब क्या? जितना तुम्हारा 3 महीने का तैयार हुआ है उसके मुताबिक. Interim period is a period reporting shorter than full financial year. यानी एक साल से छोटा जो भी period होगा उसको interim financial बोला जाएगा. मगर generally interim period हमेशा 3 महीने का होता है. अब आया financial statement, किसको बोलते हैं? जो definition में बोला तो already मैंने बता दिया. financial statement includes statement of profit and loss, balance sheet, cash flow statement and notes to account and accounting policy. Clear? ये पूछ सकते हैं MCQ में, ये भी लिख सकते हो. Need, जरूरत क्या है? तो ऑलरेडी अपने इंट्रोडक्शन में ही देखा. इन जनरल द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज टू प्रोवाइड फ्रीक्वेंट एंड टाइमली असेसमेंट ऑफ एंटरप्राइज परफॉर्मेंस. एमसीक्यू में पूछ सकते हैं क्यों किया जाता है? ताकि टाइम टू टाइम तुमने जो काम किया, आपने जो परफॉर्म किया उसको असेस किया जाए और इंफॉर्मेशन आपको मिलती है. However, interim report has some limitation, which is not the case of annual account. As the reporting period is shortened, the effect of error in estimating and allocation are magnified. सीधी है कि पूरे साल का account तैयार नहीं होता, तो हो सकता है कि जो आप estimate लेते हो, जो allocation करते हो, उसमें गलती हो सकती है. The proper allocation of operational expense is important. The main limitation are, the main problem are, number one limitation hai ye ki interim financial reporting ki limitation kya hai, maryada kya hai. Number one, proper allocation of operating expense. Sabse bada limitation hai ye ki bhai tum operating expense ko kis prakar allocate karte ho, usme galti ho sakti hai. Point number two, most important limitation. Some operating expense may incur in one interim period and yet benefit the full year. For example, देखो advertisement, repairing, maintenance, ये भी सबसे बड़ा limitation है. कि suppose तुमने जो expense किया मगर इसका benefit आपको पूरे साल का मिला, तो इसको आप allocate कैसे करना है? ये गलती हो सकती है interim financial reporting में, ये limitation आती है. Similarly, seasonal fluctuation for some enterprise revenue may be seasonal or cyclical. Therefore, concentrated in certain interim period. भी problem होती भी तुमने पढ़ा था सामायिक श्रेणी के अंदर चक्र घटक अने मौसमी घटक, तो उसके वजह से भी problem हो सकती है. Similarly, year end event, कितनी event ऐसी होती है जो end में दी जाती है, जैसे bonus, incentive based on annual target, ये सब कैसे लिखना है, कौन से quarter में allocate करना है, वो एक से एग्जाम वो चीज को determine करना थोड़ा problematic है, भी limitation हो जाती है. Determination of appropriate amount of provision, कितना provision निकलना है, जैसे pension जो retirement के बाद दिया जाता है, जिसको accounting term में long term provision बोला जाता है, जैसे pension, gratuity, etc. Similarly, income tax expense, one interim period have profit and next interim period may have loss. ये भी problem आती थी. Income tax का जो expense है वो determine करना भी problematic होता है. तो these are the limitation of interim financial reporting. Clear? Next one is objective. मकसद क्या है interim financial reporting करने के पीछे? आपका मकसद क्या है? What are the objective? तो देखते हैं. The objective of this standard is to prescribe minimum content of interim financial report and to prescribe the principle for recognition
एंड मेजरमेंट इन कंप्लीट यानी पूरा और कंडेंस यानी अपूर्ण कंडेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर इंटरिम पीरियड एज द इंटरिम पीरियड और रिपोर्टिंग पीरियड इज शॉर्ट द इफेक्ट ऑफ एरर एंड एस्टिमेशन एंड एलोकेशन इंक्रीज. सीधा बताया है कि भाई ये स्टैंडर्ड का मकसद है जी टू प्रिस्क्राइब द मिनिमम कंटेंट ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट. यानी आप मेन डिसाइड कर सको कि इंटरिम पीरियड का कंटेंट क्या बताता है. हो सकता है इसमें आपने पढ़ा कि आपके एस्टिमेशन की वजह से गलती हो सकती है, मगर वो चीज को थोड़ा बहुत इग्नोर करना है. सबसे बड़ा फर्क क्या होता है कि भाई डिसीजन लेने में आसानी होगी. नाउ कम प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज टू प्रिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ इनकम एक्सपेंस असेट एंड लायबिलिटी इनकम्प्लीट. यानी जितने भी आपके बिजनेस की इनकम हो, एक्सपेंस हो, असेट हो, लायबिलिटी हो, उसको कंप्लीट या तो कंडेंस. कंडेंस का मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, अपूर्ण यानी 3 महीने का, पूरे साल का नहीं भी हो सकता. That is balance sheet, P&L, cash flow statement, accounting notes and policy. There may be two distinct principle. Underline कर लेना. Interim financial reporting के दो principle है. या तो दो view है. कौन से view है? दो view. एक का नाम है integral view. एक का नाम है discrete view. इसको हम detail में study करेंगे. There are two view to recognize. First one is integral view. सेपरेट पार्ट ऑफ एनुअल पीरियड एक्सपेंस आर रिकॉग्नाइज इन द प्रोपोर्शन टू रेवेन्यू अर्न थ्रू द यूज ऑफ स्पेशल अक्रूअल एंड डिफरल. क्लियर क्लियर. वापिस से बताता हूँ. इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? अ मेथड टू मेजर इंटरिम पीरियड. अ मेथड और अप्रोच टू मेजर. अ मेथड और अ मेथड टू मेजर इंटरिम पीरियड. अ मेथड टू मेजर इंटरिम पीरियड by viewing each interim period as an integral part of the annual period. And her interim period ko aap important doge, and expense are recognized in respect to the revenue earned. And expense ko kaise nakki kiya jayega? Jaise aapne revenue ko earned kiya hai. Clear? Isko bolte hai integral view. Likh lena aap book mein. Second one is discrete view. डिस्क्रीट व्यू क्या है? तो सिंपल है. डिस्क्रीट व्यू का मतलब है कि मेजरिंग इंटरिम पीरियड इनकम बाय व्यूइंग ईच इंटरिम पीरियड सेपरेटली. तुम हर इंटरिम पीरियड को अलग अलग तरीके से ट्रीट करोगे. क्लियर. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 रिजोल्व द डिबेट by prescribing the discrete view in general. Clear ke jo problem tha wo automatic bata de. Kya bataya? As per the standard, income and expense should be recognized or calculated or measured on year to date basis for interim reporting. Clear? Ab yahan pe year to date ka matlab kya hota hai? Underline kar lo, likh lo. Year to date basis means financial reporting for a period which began on first day of the fiscal and year and on the given time. देखो example देखो तो पता चल जाएगा आपको. X Limited prepare the financial report for the first quarter of 17-18. अब 17-18 बोला इसका मतलब आपका अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से स्टार्ट होगा. अब इंटरिम की बात करी है तो 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक का पहला क्वार्टर होगा. अब ईयर टू डेट मेजिस का मतलब क्या होता है? 1 अप्रैल 2017 से 30 जून 2017 ऑफ इट प्रिपेयर इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर सेकंड क्वार्टर
that is 1st July to 30 September, year to basis mean 1st April to 30 September, वो depend करता है तुम्हारी company पे. However, underline, there is slight deviation in recognizing the income tax expense, which is not based on discrete view. मगर जो income tax expense है, वो common को के income tax expense yearly होते हैं. तो वही बताया कि इनकम टैक्स एक्सपेंस के अंदर यहाँ पे थोड़ी डेविएशन है, अलग अलग सोच है, मगर जनरली क्या बताया, इट इज नॉट बेस्ड ऑन डिस्क्रीट व्यू. एज पर द इनकम टैक्स एक्सपेंस इज रिकॉग्नाइज्ड इन ईच टर्म, वेटेड एवरेज इफेक्टिव इनकम टैक्स एक्सपेक्टेड टू फॉर द फुल ईयर. अंडरलाइन कर देना. तो इंटरिम फाइनेंसिंग के लिए जैसे कॉमन हर इनकम टैक्स, जैसे जैसे आपका क्वार्टर खत्म होते जाएगा, ऐसे आप एक्सपेंस का प्रोविजन निकालते जाओगे. तो यहाँ पे क्या बताया, साल के लिए तुमको क्या देखना है, एनुअल इफेक्टिव इनकम टैक्स रेट. क्या? एनुअल इफेक्टिव इनकम टैक्स रेट. व्हाट इज एस्टिमेटेड एनुअल इफेक्टिव टैक्स रेट. ये तुम प्रैक्टिकल टॉपिक देखोगे तो आपको बहुत समझ में आएगा, इजीली दिया हुआ है. तो क्या दिया हुआ है, एन एक्सपेक्टेड एनुअल टैक्स रेट विच रिफ्लेक्ट estimate of annual earning tax rate, tax credit, यानी जो भी हो जिसको अपने input credit बोलते थे. Interim period income tax expense is accrued using the tax rate that will be applicable to expected total earning. सीधी बात है कि जितना earning होगा उतना आपका income tax expense होगा. That is the estimated average annual effective income tax rate applied to pre-tax income of interim period. Underline which type of tax, pre-tax. या practical sum करोगे तो आपको सीधी समझ में आएगा कि भाई income tax expense क्या है और effective income tax क्या. आप देखो बहुत मस्त point है, इसका sum भी है, sum number one यही है. If there is loss carry forward, अगर आपका last year का कोई loss है जिसको आप carry forward करते हैं, and no tax was recognized in the beginning of the year, then the criteria for recognizing deferred tax asset is applied at the end of each interim period, and if they are met, the effect of carry forward loss is reflected, yani shown, dikhana padega in the computation of annual effective tax rate. yani agar aapka last year ka koi carry forward loss hai तो उसमें क्या बताया है, अपने जो भी इंटरिम पीरियड का टोटल निकालोगे उसमें से कैरी फॉरवर्ड टैक्स को डिडक्ट करना है, उसके बाद इफेक्टिव टैक्स रेट का कैलकुलेशन करना है. क्लियर? अकाउंटिंग पॉलिसी सीधी बात है कि क्या बताया है कि अ कंफर्मेशन इफ सच बी केस दैट अकाउंटिंग पॉलिसी एडॉप्टेड फॉर इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग are same as adopted for most recent annual account. यानी जो policy आपकी final account की होती है ना, annual account जो बनाते हैं पूरे साल का, तो जो rules and policies से बनाते हैं interim financing reporting के लिए भी आपको वही policy apply करनी है. And if there are any changes, अगर कोई changes आता है, such changes should be stated together with monetary effect of such changes. Clear? अब इंटरिम फाइनेंसिंग में कंपोनेंट क्या है, तो सीधा है देखो, कंडेंस का मतलब मैंने ऑलरेडी बताया कि पूरे साल का तो बनेगा नहीं, तो अधूरा बैलेंस शीट, अधूरी प्रॉफिट एंड लॉस. कंडेंस यानी जो तुम्हारा इंटरिम पीरियड का होगा उसके हिसाब से आप बैलेंस शीट है, पीएनएल है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, जो एक्सप्लेनेटरी नोट जिसको नोट्स एंड क्या बोला जाता है, जिसको तुम क्या बोलते हो, एक्सप्लेनेटरी नोट्स एंड अकाउंटिंग पॉलिसी, नोट्स टू अकाउंट, वो बनाने पड़ेंगे. क्लियर? एंड आई थिंक लगभग ये तुम्हारा एक दो टॉपिक बाकी रहते, इसके बाद पूरा प्रैक्टिकल टॉपिक चालू होता है, मगर ये चीज इम्पोर्टेंट है थियरी में. फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एन इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट कैन कंटेन आइदर अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या तो पूरा, और सेट ऑफ कंडेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सीधा है, कुछ काम का नहीं, जो आपने डिटेल में पढ़ा आपको शॉर्ट फॉर्म, जैसे complete financial statement, जैसे if enterprise opt to prepare and present a complete financial statement
in the interim financial report, it should be prepared in the same format as per the same content as requirement of annual financing report. सीधी बात है, कुछ नया नहीं है, क्या नहीं, जैसे तुम एनुअल फाइनल अकाउंट बनाते हो इसी प्रकार आपको इंटरिम का भी तैयार करना है. कंडेंस फाइनेंस स्टेटमेंट, अब ये देखो कंप्लीट बनाते तो कोई ऑप्शन नहीं, मगर कंडेंस का मतलब अगर तुम इंटरिम के हिसाब से बनाते हो, संपूर्ण नहीं बनाते तो कंडेंस इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग शुल कंटेन मिनिमम इंफॉर्मेशन, ये पूछ सकते हेडिंग एंड सब टोटल दैट वर इंक्लूडेड इन द मोस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट जो अधूरी इंफॉर्मेशन है, एडिशनल आइटम और नॉट इफ मिसिंग मेक द इंटरिम फाइनेंशियल मिसलीडिंग, अगर कुछ अधूरी माहिती है तो उसके एडिशनल आइटम और उसका नोट लिखो, एंड कैलकुलेशन ऑफ बेसिक एंड डायल्यूटेड ईपीएस, ये तुम यूनिट फोर में पढ़ोगे, यूनिट थ्री में पढ़ोगे क्या आपका ईपीएस क्या है, बेसिक ईपीएस क्या है और आपका डायल्यूटेड ईपीएस क्या है. क्लियर, प्रैक्टिकल है जो पूरा. The selection of explanatory note का मतलब criteria adopted for selection of explanatory note to be included in interim financial report is updating the financial information. It is assumed that user of interim financial report are having access to the most recent financial statement. Clear? Yani it is necessary to disclose any event or any transaction which are material. Yani jitni bhi information material hai, kaam ki hai, mahatv hai, har information, har transaction, har event ko batana farzi hai. Clear? Compulsory hai. मिनिमम डिस्क्लोजर ऑफ नोट्स से हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इसका प्रैक्टिकल पोर्शन के साथ नेक्स्ट लेक्चर में ये टॉपिक को हम कवर करेंगे.